जय इन फ्रेंड, जॉब सर्च और उपचर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल स्टोर डिपो पुणे की जो रिक्रूटमेंट थी ग्रुप सी की, जिसमें आपका फाइनल रिजल्ट आपके करीबन 2 महीने पहले जारी कर दिया गया था, जिसमें अभी आपके जो रिज्यूमे होंगे, अब उसका आपका जो रिज्यूमे कैंडिडेट थे उनकी सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसी प्रकार आपके हर डिपार्टमेंट में एक रिजर्व लिस्ट रखी जाती है, जो कि आपके यदि कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और आपको भी ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। तो कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही बड़ी लॉटरी मानी जा सकती है। कैंडिडेट के लिए बहुत ही मजे हो चुके हैं, कैंडिडेट को इनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए आप ये बोलिए एक दीपावली बन गई है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। हर डिपार्टमेंट में जो भी यूनिट में अभी वैकेंसीज का फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाती है, या आपका ज्वाइनिंग होने के ज्वाइनिंग लेटर आ जाते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर आ जाते हैं, उसके बाद भी आपके जो रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट के भी आने के पूरे चांसेज होते हैं। आप ऐसा न सोचें कि जैसे ही सब कुछ हो चुका हो उसके बाद में भी आपके ज्वाइनिंग लेटर आते हैं। किस कारण आते हैं, अभी इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, और जिनका भी अभी सिलेक्शन हुआ है उन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अभी नोटिस उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक साफ लिखा गया है 17-18 और 18-19 की वैकेंसी थी, जो कि आपकी वैकेंसीज है, आप पब्लिश हुई थी, आपकी 2022 में पब्लिश हुई थी। 1 अगस्त 2022 का इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कंप्लीट दिया गया है। जो रिसेप्टिव जो कैंडिडेट हैं उनको यदि अनविलिंग करते हैं तो नेक्स्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको आपको कैंडिडेट को सेंड कर दिया जाएगा। जो भी लेटर है इसमें आप देख सकते हैं, 4 कैंडिडेट को रिजर्व कैंडिडेट थे जो कि नंबर 1 पे थे, उनको ले लिया गया है, रिजर्व कैंडिडेट को सिलेक्टेड कर लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक चौकीदार के लिए एससी कैटेगरी का सिलेक्टेड किया गया है। यदि आपका कोई कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट से नहीं पहुंचता है तो आपके जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, जो फर्स्ट नंबर का जो कैंडिडेट होगा, रिजर्व कैंडिडेट फर्स्ट नंबर पे होगा, उसका सिलेक्शन लेटर उसके लिए भेज दिया जाएगा। उसमें के बाद में आप देख सकते हैं ओबीसी के जो ट्रेडमैन मेट में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये कैंडिडेट मेरे काफ़ी दिन से जुड़े हुए थे, इनके पास कॉल भी आ चुका है कि आपके डॉक्यूमेंट अभी आपको जमा करने होंगे वहाँ पे जाके, और आपके पास वो लेटर भी इनके पास सेंड कर दिया गया है, तो इनका जल्दी सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट का रिजर्व में 1 नंबर पे थे, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस ट्रेडमैन मेंट के लिए इनका नाम दे सकते हैं, इनका 37 का भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद में एससी कैटेगरी में एमटी सफाई वाले के लिए आपकी राजेंद्र है, इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अभी रिजर्व कैटेगरी में 1 नंबर पे सभी कैंडिडेट थे, इसलिए इनका आपका नाम आ चुका है जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। इनके जो भी कैटेगरी के जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम था वो कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं किया। इसी प्रकार से आपके सभी जो भी वैकेंसीज आती हैं उनमें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट का नाम होता है उसके बाद में एक रिजर्व कैटेगरी आपकी रखी जाती है, जिसमें आपका 1 नंबर पे यदि आप हैं तो आपके पूरे पूरे चांसेज हैं। यदि कोई भी एक कैंडिडेट, 10 वैकेंसी है या 5 वैकेंसी है या 6 वैकेंसी है, उनमें से एक कैंडिडेट भी यदि ज्वाइनिंग नहीं करता है तो आपका रिजर्व कैंडिडेट 1 नंबर पे होता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार जो आपकी बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप की चाहे वैकेंसी हो, चाहे आपकी रुड़की की वैकेंसी हो, चाहे आपकी STC 1 की या 2 की, दोनों पणजी वाले की या जबलपुर वाले की वैकेंसी हो, दोनों में सभी में आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी आपका सिलेक्शन होता है। कुछ दिन पहले MCT महू में आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें भी एक कैंडिडेट का रिजर्व में रख कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन होके उनके पास करीबन 2 महीने के बाद में आपका लेटर आया था, जिनका सभी का सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइनिंग भी कर लिया था कैंडिडेट ने उसके बाद में, और उनके पास 2 महीने के बाद में उनके पास लेटर आया था। यदि इन कैंडिडेट से आप देख सकते हैं, ये कैंडिडेट 4 कैंडिडेट हैं, इनमें से भी कोई कैंडिडेट यदि ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका रिजर्व कैंडिडेट होगा उसको सिलेक्शन लिस्ट के लिए भेजा जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। यदि उसके बाद में जो बुलाते हैं उसको भी नहीं आता है तो तीसरे को भेजा जाएगा। यदि लास्ट तक यदि ज्वाइन नहीं करता तब तक की ये रिजर्व की लिस्ट आपकी चलती रहेगी। यदि कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन करके छोड़ के चला जाता है तो आपकी रिजर्व लिस्ट आपकी नहीं चलती है, फिर आपकी नेक्स्ट वैकेंसी जब आउट होंगी तब भी आपका सिलेक्शन दोबारा से उसमें वैकेंसीज ऐड हो जाती हैं।
और जब तक आपका कैंडिडेट रिज्यूम लिस्ट के तब तक चलती है जब तक आपका कैंडिडेट यदि ज्वाइनिंग नहीं करता है, एक दिन भी ज्वाइनिंग यदि किसी कैंडिडेट ने कर लिया तो आपका रिज्यूम लिस्ट ख़त्म हो जाती है। तो जो भी वैकेंसी जो होगी वो नेक्स्ट ईयर में या जब भी वैकेंसी निकलेगी उसके साथ ही वो वैकेंसी ऐड होकर निकलेगी, दोबारा से उसका सब कुछ होगा। तो ऐसे ही इसी प्रकार से आपकी रिज्यूम लिस्ट हर जगह हर डिपार्टमेंट में हर यूनिट में आपकी रहती है, किसी में शो की जाती है। जैसे BG रुड़की के आपकी शो नहीं की गई है, लेकिन BG जो आपकी किरकी की जो पुणे की जो लिस्ट है उसमें सभी का रिज्यूम लिस्ट शो किया हुआ है। जो भी एक नंबर पे जिसका भी नाम है, काफ़ी दिन से कैंडिडेट मैसेज भी कर रहे थे जो रिज्यूम में है काफ़ी दिन से, वो यदि एक नंबर पे है तो उनका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें कैंडिडेट एक से दो तीन जगह सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें से वो एक ही जगह ज्वाइन कर पाते हैं, इसलिए वो कहीं जहाँ ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वहाँ पे उनकी लिस्ट खाली चली जाती है और नेक्स्ट का नंबर आ जाता है। इसी प्रकार चाहे आपकी बंगाल जो सब एरिया की वैकेंसी थी उसकी भी लिस्ट आपकी रिज्यूम लिस्ट नहीं जारी की गई थी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन आपका जैसे ही वो सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और ज्वाइन जो भी कैंडिडेट नहीं करेगा उसके बाद में आपके रिज्यूम लिस्ट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन के लिए लिस्ट आपके ज्वाइनिंग लेटर या DV लेटर आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद में इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, इसमें क्या क्या आपका दिया गया है, इसका फर्स्ट पेपर आप दे सकते हैं जिसमें साफ दिया गया है वेरिफिकेशन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर ग्रुप सी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आपके जो पुणे में जो मेडिकल डिपो आपका पुणे है उसमें आपका ये दिया गया है, जिसमें आप दे सकते हैं 10 से 16 आपके जुलाई 2021 में ये वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं 21 में इनका जो भी है रिजल्ट आपके एग्ज़ाम वगैरह करवाई गई थी। अपेंडिक्स मैंने आपको पहले दिखा दी है जिसमें आपके कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं, रिज्यूम लिस्ट 1 वाले के सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम वो हैं जो भी एक नंबर पे थे उन्हीं के नाम है। यदि वो एक नंबर वाले कैंडिडेट नहीं देते हैं कोई भी ज्वाइनिंग के लिए नहीं पहुंचता है तो अभी दूसरे नंबर के एक कैंडिडेट को सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सभी वो 10 नवंबर से पहले पहले आपको वहाँ पे ऑफिस में सभी लेके पहुँचने होंगे, जिसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे। वो प्री अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो फॉर्मेलिटी है उनको पूरा करने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें अटेंशन फॉरम भी शामिल है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी शामिल है, पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी आपका इसमें शामिल रहता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल, जिसमें आप देख सकते हैं टेस्ट का जो एडमिट कार्ड या जो भी रिटर्न टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है दोनों आपको लेके जाने हैं। इसके बाद में एज प्रूफ आपको लेके जाना है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ जैसे 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th या 12th की जो भी किया है वो आपको लेके जानी है, कास्ट आपकी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, एड्रेस प्रूफ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, पैन कार्ड आपको लेके जाना है, अदर डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं आपको क्या क्या लेके जाना है, पुलिस स्टेशन से जो भी आपका जो करेक्टनेस सर्टिफिकेट होगा जो भी एड्रेस सर्टिफिकेट है जिसको बोल सकते हैं ये पुलिस स्टेशन से मतलब आपको बनवा के लेके जाना होगा। उसके बाद में आपको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल बनवा के लेके जाना होगा, 6 आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको साथ में लेके जानी होंगी, अटेंशन फॉर्म भी आपको लेके जाना होगा, वो आपके जैसे ही आपका जो भी DV लेटर होगा उसके साथ आपका सम्प्लेट लगा हुआ आएगा, तो आपका DV लेटर जारी हो चुका है, आपने कैंडिडेट के पास फोन भी कर दिया गया है उनके द्वारा कि आपको 10 तारीख से पहले पहले ये सभी चीज़ें आपको रिपोर्ट करना है, यदि आप नहीं पहुंचते हैं तो इसमें साफ दिया गया है कि आपका जो भी अनविलिंग सर्टिफिकेट है वो मान लिया जाएगा और आपको नेक्स्ट कैंडिडेट को भेज दिया जाएगा, जो भी सिलेक्शन लिस्ट है वो दूसरे कैंडिडेट को भेज दी जाएगी, जिनका भी यदि आपका सिलेक्शन रिज्यूम 2 में है उनको ये लेटर भेज दिया जाएगा यदि आप 10 नवंबर से पहले पहले नहीं करते हैं। इसमें आपका स्टाम्प भी देख सकते हैं, यहाँ पे अफसर भी देख सकते हैं, 17 अक्टूबर को ये लिस्ट जारी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट के पास फोन भी आ चुके हैं। तो इसी प्रकार से कैंडिडेट के लॉटरी लगती है, जो भी रिज्यूम कैंडिडेट होते हैं काफ़ी जगह आपकी रिज्यूम लिस्ट आपकी शो की जाती है और काफ़ी जगह आपकी रिज्यूम लिस्ट नहीं शो की जाती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप यदि जो भी रिजल्ट है यदि आउट हो जाता है उसके बाद भी आपके नौकरी के लगने के चांसेज पूरे हो सकते हैं यदि आप रिज्यूम लिस्ट 1 में होंगे तो आपके आप देख सकते हैं इसी प्रकार कैंडिडेट की लॉटरी लगती है, ये लॉटरी सिस्टम ही बोल सकते हैं, यदि एक कैंडिडेट नहीं आया तो दूसरे का चांस कितना बन जाता है वो आप खुद ही सोच सकते हैं।
और इससे संबंधित किसी भी कैंडिडेट की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में। इससे साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कंप्लीट अपडेट आपको बताई जाती है। इससे रिज्यूम लिस्ट से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो भी आप पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।